रामनगरी में भव्य मंदिर और दिव्य रामलला की मूर्ति के साथ ही श्रद्धालुओं को कई और मूर्तियां भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इन मूर्तियों में रामायण काल के प्रसंग देखने को भी मिलेंगे। अयोध्या में अगले साल जनवरी में रामलला गर्भगृह में विराजेंगे। श्रद्धालु जब भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें यहां एक और दिव्य छटा देखने को मिलेगी और वो होगी राम कथा कुंज की छटा। भव्य राम मंदिर निर्माण के साथ रामलला की मूर्ति बनाने का काम भी चल रहा है तो रामकथा कुंज में लगने वाली मूर्तियों के निर्माण का काम भी तेज गति से चल रहा है। ये मूर्तियां भी रामकार सेवकपुरम के जिस शेड में रामलला की मूर्ति बन रही है उसी के एक भाग में चल रहा है। ये मूर्तियां सीमेंट, सरिया और कंक्रीट के मिश्रण से बनाई जा रही हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन काल के आरंभ से लेकर सरयू में गुप्त होने तक के सभी प्रसंगों को दिखाने की तैयारी हो रही है। इसमें महाराज दशरथ के पुत्रेष्ठ यज्ञ से लेकर श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के जन्म, शिक्षा, वनगमन, सूर्पनखा संवाद, राम रावण युद्ध समेत रामायण काल के सभी पहलुओं को चित्रकला के माध्यम से समेटा जा रहा है। कार्य चालू हुआ 2013 से। जो माननीय अशोक सिंगल जी आदेश दिए थे उन्होंने हमको लाए थे 97 में। 2013 से ये पास हुआ तब से पुत्राष्टी यज्ञ से शुरुआत करके ये राज्याभिषेक तक मूर्तियाँ माने एक राम कथा कुंज के नाम से बनेगा, जिसमें रामायण के सारे प्रसंग का मान पार्ट पार्ट मेन मेन पॉइंट का मूर्ति दिया जाएगा, जिसमें भगवान श्री बालक रूप से शुरू करके राज्याभिषेक तक जाएगा। अभी तक श्री राम जन्म से लेकर राम राज्याभिषेक तक की मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं और बाकी मूर्तियां बनाने का काम जारी है। इन मूर्तियों को स्थापित करने के बाद इसके पीछे इससे संबंधित पेंटिंग की जाएगी। इसके अलावा संदर्भ के अनुसार रामचरितमानस की चौपाइयों को इन पर अंकित किया जाएगा। मूर्तियां लंबे समय तक सुरक्षित रखने के उद्देश्य से इसे ग्लास से कवर कर इसके चारों तरफ लाइट लगाई जाएंगी। मंदिर का निर्माण हो जाने के बाद ट्रस्ट ये तय करेगा कि इन मूर्तियों को कहां पर सुसज्जित तरीके से जगह दी जाएगी। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।